क्षेत्र के लाखों लोगों ने सहारा में अपने जीवन का अमूल्य कमाई जमा कर दिया है, लेकिन सरकार ने ऐसा किया कि वह पैसा सहारा और सरकार के बीच अटक कर रह गया है और जमाकर्ता एक एक पाई के लिए मोहताज है। किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही और आम आदमी इसको लेके परेशान है। कांग्रेस नेता मनोज सिंह ने कहा है कि जमाकर्ताओं के हित में कांग्रेस संघर्ष करने की रणनीति बना रही है। क्षेत्र के लाख पीएसएल में फंसा हुआ है। आम जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पाई जोड़कर पेट काट काट कर सहारा और पीएसएल में पैसा जमा किया ताकि भविष्य में काम आ सके, लेकिन हुआ क्या कि उनके सपनों पर पानी फिर गया। उनका पैसा सहारा और पल्स में फंसा हुआ है। आम जनता ऑफिस का चक्कर काट काट के परेशान हो गई, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। सहारा ने लगभग 24,000 करोड़ रुपया सेबी को दिया कि उनके द्वारा जनता को पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन फिर भी निवेशकों का जो समस्या बना हुआ है उन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्ण अगर विचार किया जाए तो मैं अपील करूंगा न्याय मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, सम्मानित सरकार से कि जो क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब ऐप। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।